अब नहीं होगी कोविड मरीजों के लिए बेड की कमी। प्राइवेट अस्पतालों में 50% बेड कोविड मरीजों के लिए होंगे। जरूरत पड़ने पर यह संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। 75% बेड का भी निर्णय जरूरत के हिसाब से लिया जा सकता है। यानी अब प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसेगी। झारखंड में कोरोना मरीजों के लिए बेड की नहीं होगी कोई कमी। झारखंड के लिए सबसे ज्यादा राहत देने वाली खबर यही है। अभी तक 25% बेड जो प्राइवेट अस्पताल में है उसे रिजर्व रखा गया था कोविड पेशेंट्स के लिए। अब इसको बढ़ाकर 50% यानी 50% कर दिया गया है और आगे जरूरत पड़ेगी तो 75% रिजर्व कर दिए जाएंगे बेड प्राइवेट अस्पतालों में कोविड पेशेंट्स के लिए। तो झारखंड के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। सरकार का एक बड़ा निर्णय। जब कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं कि बेड की कमी अगर हो गई तो स्थितियां कितनी विकराल और हो सकती है। उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि निजी अस्पतालों को जो 25% बेड को रिजर्व रखने को कहा गया था कोविड मरीजों के लिए, इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर 75% कर दिया जाएगा। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, जिस तरह से एक बड़ा निर्णय, एक बड़ी राहत की खबर, जो 50% रिजर्व करने की आदेश सरकार ने दिया है प्राइवेट अस्पताल को। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शरीफ, ये बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आपको सिर्फ न्यूज 11 भारत पर है। अभी इसे लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, बाकायदा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला आ चुका है। लगभग मान करके चलिए कि सरकार इसे लेकर के फैसला ले चुकी है। प्राइवेट अस्पतालों में, जो भी प्राइवेट अस्पताल है, उन सभी प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 50%, क्योंकि अभी सरकार की तरफ ऑफिशियली ये है कि 25% बेड है वो सिर्फ कोविड मरीजों के लिए होंगे। लेकिन अब ये फैसला सरकार ने लिया है कि इसकी संख्या को बढ़ाते हुए 50%। और मैं आपको बता दूं सर, इसे लेकर के नोटिफिकेशन भी सरकार की तरफ से जारी हो चुका है, जो कि स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर धूर ने जारी किया सभी उपायुक्तों के नाम से। इसमें यह है कि संक्रमित मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में न्यूनतम 50% कोविड बेड आरक्षित कर मरीजों का समुचित उपचार करने के संबंध में ये सरकारी नोटिफिकेशन। तो हमने खबर चलाई और देखिए, हमने जो खबर दिखाई वो पुख्तगी के साथ दिखाई। ये नोटिफिकेशन भी हम दर्शकों को बस अभी दिखा देते हैं। कुल मिलाकर के ये शारीफ, और इसमें एक और पॉइंट ये है जो मैं आपको बता दूं कि ये 50% का ये जो आंकड़ा है, अगर जरूरत पड़ी तो ये 75% भी हो सकता है, और अगर इसके बावजूद अगर स्थितियां कंट्रोल में नहीं आई तो उससे लेकर के 100% जो सरकार निजी अस्पताल है उन निजी अस्पतालों में इस आंकड़े को 100% भी करने की तैयारी है। यानी झारखंड के लोगों के लिए फिलहाल के लिए इससे बड़ी राहत की खबर नहीं हो सकती। झारखंड के लोग इस बात से निश्चिंत हो जाए कि सरकार जो पूरे तरीके से उनके बारे में सोच रही है, बड़े फैसले लेने में भी सरकार नहीं हिचकने वाली है। सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और अगर जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा बड़े फैसले सरकार ले सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज सारी, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आज देर रात तक मान करके चलिए कि 250 बेड सदर अस्पताल के, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद रहेगी, ऐसे 250 बेडों की सुविधा भी झारखंड वासियों को सदर अस्पताल से मिल जाएगी। ये भी एक खबर न्यूज 11 भारत दर्शकों को बता रहा है। तो दर्शकों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस करना यह है कि उन्हें प्रशासन का साथ देना है, शासन का साथ देना है इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में। ये बहुत बड़ी खबर न्यूज 11 भारत दर्शकों को है। न्यूज 11 भारत के थ्रू दर्शक इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। जी, जाहिर तौर पर भारती, बहुत बड़ी राहत वाली खबर आपने दी है। सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अभिषेक, एक और आपसे जानकारी जो हम चाहेंगे कि जो फर्स्ट स्ट्रेन आया था कोविड का, उसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी कि प्राइवेट अस्पताल जो दर निर्धारित किए थे कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का क्या दर होगा, वेंटिलेटर की आवश्यकता किसी को होती तो क्या, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल इस तरह के आपदा में अवसर तलाशने लगते हैं, तो क्या वही दर इस बार भी इम्प्लीमेंट है या उस पर भी रिव्यू किया जाएगा? देखिए शारीफ, ये बहुत ही आपने लॉजिकल सवाल पूछा है और आम आदमी के मन में ये सवाल है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई उन दरों को लेकर के, तो हम तो यही मान करके चल रहे हैं कि पिछले बार जो दरें थी उन्हीं दरों को सरकारी के साथ जो निजी अस्पतालों को फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से शहरों को टीयर 1 शहर, टीयर 2 शहर और टीयर 3 शहर के तरफ से बांटा गया था और वहां के अस्पतालों को लिहाज से तमाम तरीके के जो गाइडलाइन दिए गए थे कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। हालांकि हमने देखा कि बीच में जब कोरोना धीमा हुआ था तो उसके बाद गाइडलाइंस को
जो निजी अस्पताल उन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट जो आपने उठाया है, सरकार को इस पॉइंट पर एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि नोटिफिकेशन इसे लेकर के भी सरकार की तरफ से आना चाहिए। वैसे मैं एक और बात आपको बता दूं कि एक नोडल पदाधिकारी निजी अस्पतालों पर नकेल करने से ये एक सरकार की जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि एक नोडल पदाधिकारी बकायदा नियुक्त किया जाएगा जिसकी नजर रहेगी कि तमाम जो निजी अस्पताल हर अस्पताल के लिए कोशिश ये होगी कि हर अस्पताल का क्लस्टर बनाया जाएगा निजी अस्पतालों का और उन क्लस्टर के हिसाब से नोडल पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे ताकि उन अस्पतालों में किसी तरीके से जो मान लिया कि उन अस्पतालों में कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, अगर मरीजों को उनका वास्तविक जो अधिकार है वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है, सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो रही है या फिर प्रॉफिट मोटो को अभी भी फॉलो किया जा रहा है, तो इन तमाम चीजों पर ध्यान रखने के लिए अभी बहुत जल्दी से ये नोडल पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। हालांकि अभी इसे लेकर के कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी सॉरी, हाँ, लेकिन ये जो पॉइंट आपने उठाया है कोशिश ये रहेगी कि सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया जाए ताकि लोगों के मन में संख्या जिस तरीके से आपने सवाल उठाया वो संख्या दूर हो सारे। जी जाहिर तौर पर अभिषेक, और हालांकि एक बड़ा फैसला, एक बड़ी राहत झारखंड वासियों के लिए सरकार की तरफ से, हम उम्मीद करते हैं कि रेट्स को लेकर भी सरकार जल्द स्थिति को स्पष्ट कर दे। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया सरकार ने जो फैसला लिया है बेहद महत्वपूर्ण फैसला। यार रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।